हेलो फ्रेंड्स मेरे कैमिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनालिस हम कम्प्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे सिग्नल पे या टेलीग्राम पे एक मैसेज सेंड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी जो दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव काफी मिलनसार नेचर के होते हैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। अब यहां से देखेंगे फिंगर्स आपको बिल्कुल सटी हुई नजर आएंगी। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहने वाली है ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है किस तरह से इन्वेस्ट करना है इन चीजों को अपने जीवन में भली भांति सीख जाते हैं जिस वजह से काफी अच्छी मनी एकमोलेशन कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें जिसे हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं हल्का सा झुकाव आपको ऊपर से इस फिंगर का शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है थोड़ी आइसोलेशन वाली फीलिंग रहने की संभावनाएं रहती हैं लेकिन ओवरऑल यह फिंगर अच्छी लेंथ में है जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और अपने जीवन में धर्म कर्म के काम करना इन्हें काफी अच्छा लगता है बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की आप देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर कहलाती है और अगर यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में रहता है उसी के साथ साथ जब यह फिंगर ज्यादा लंबाई में होती है तो थोड़ा सा इंसान को रिस्क टेकर भी बनाती है ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं जैसे शेयर मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज हैं म्यूचुअल फंड्स हैं ऐसी चीजों में भी ऐसे नेटिव की रुचि रह सकती है ओवरऑल एक अच्छा सोशल सर्कल रहता है काफी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा यह जो माउंट है काफी नीचे है यह फिंगर काफी नीचे से बाकी फिंगर के मुकाबले शुरू हो रही है इसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं मरकरी फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाही रहेगी ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के साथ जल्दी औरों के साथ ओपन अप नहीं हो पाते थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर इनकी रह सकती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यह फिंगर लेंथ में काफी अच्छी है फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे कैलकुलेशन करने की जो काबिलियत है वो भी काफी बेहतर इनके भीतर रहने वाली है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद चेक करेंगे इनकी रेखाओं को जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इनका जो मरकरी का एरिया हल्का सा लो सेट है जबकि इनका सूर्य पर्वत इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति तीनों के तीनों माउंट्स काफी अच्छी स्पेस इस हथेली में पा रहे हैं वन वन सभी माउंट्स को चेक करेंगे उसके बाद इनकी रेखाओं के बारे में और जो भी आपको जानकारी दूंगा आपको कुछ इस तरह से छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी ऐसी खड़ी रेखाओं का इस एरिया पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की उभर कर सामने आ सकती है खासतौर पर चालीस की एज के बाद और अगर हम देखें इनकी हथेली में आपको इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी जो मरकरी रेखाएं कहलाती हैं लेकिन यह रेखाएं एक सीधी रेखा होने के बावजूद बल्कि यहाँ पर यह रेखाएं सीधी रेखा के रूप में नहीं है कुछ इस तरह सी ओवरलैपिंग इनकी इस एरिया में नजर आ रही है मरकरी लाइन में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इस रेखा की जो फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा कमजोर कर देता है इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होना स्वाभाविक है लेकिन यहाँ पर इस रेखा का होना नेटिव के बिजनेस एक्मेंट को एनहेंस करता है और इसी रेखा के माध्यम से एक मनी ट्रैंगल की फॉर्मेशन भी होती है आप यहां पर देख सकते हैं तीन रेखाएं हमें चाहिए होती हैं मनी ट्राइंगल के लिए यह वाली जो रेखा ऊपर वाली होती है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन यह जो रेखा है इसको कहा जाता है फेट की लाइन और यह जो तीसरी रेखा होती है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन यहाँ पर बेशक मर्करी लाइन थोड़ी सी वीक है लेकिन एक अच्छा ट्राइंगल और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से नेटिव काफी अच्छी मनी एकोमेशन करने में जीवन में कामयाब रहता है और अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो यह एरिया आप देख सकते हैं हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी काफ़ी सारी रेखाएं इस एरिया पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनालिटी रहेगा लेकिन किसी एक विषय के ऊपर फोकस कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है इस एरिया में आपको एक रेखा और नज़र आएगी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है ऐसी रेखा होने से काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बन जाना स्वाभाविक है और नेटिव को पॉलिटिक्स के थ्रू फेम मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अधिक हो जाती हैं बात करते हैं इनके शनि पर्वत की यह जो एरिया है शनि का एरिया कहलाता है और शनि का जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है यह माउंट ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ है और ना ही दबा हुआ है इस तरह का माउंट होना यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है इस तरह का शनि पर्वत वाले लोग काफी मेहनती होते हैं डिसिप्लिन होते हैं अनुशासन को फॉलो करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और साथ ही साथ यहां पर आपको एक अच्छी शनि रेखा भी इनकी थैली पे नजर आएगी यहां से शनि रेखा चलती हुई और यहां पर आकर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में नजर आ रही है लेकिन एक अच्छी और लंबी शनि रेखा का होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है लाइफ में इनकम का फ्लो अच्छा रहता है माइनर अप्स एंड डाउन रह सकते हैं वो कुछ इन रेखाओं की वजह से रहते हैं जो रेखाएं इनकी शनि रेखा को क्रॉस कर रही हैं बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की यह एरिया आप देखेंगे काफी उठा हुआ है जिस वजह से एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है यहां पर एक स्क्वायर का साइन बनता है इस तरह का चिन्ह होना काफी पॉजिटिव माना जाता है बृहस्पति माउंट के ऊपर इस तरह का पॉजिटिव चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है परिवार का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा मिलता है और अगर हम बात करें इस तरह की रेखा की जो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ चलती है आपको नजर आएगी यह लाइफ लाइन रहती है लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर से अगर कोई रेखा इस तरह से बृहस्पति पर्वत तक पहुंचती है तो यह है रेखा प्रोग्रेस दिलवाने में काफी हेल्प करती है इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की यह जो रेखा है हार्ट की लाइन कहलाती है और कुछ इस तरह कि की हार्ट की लाइन एक अच्छे कर्व के साथ शनि पर्व तक पहुंचती हुई जो दर्शाती है कि नेटिव काफी केयरिंग नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के भी रहते हैं साथ ही साथ यहां से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई एक काफी अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है और इस तरह का विष्णु सिंबल जिन लोगों की हथेली पे बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से गलत तरीके से अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी से आप काम करते रहें तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी मस्तिष्क रेखा नजर आ रही है कुछ इस तरह की माइंड लाइन थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ अंत में आकर होता हुआ ओवरऑल मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है थोड़ी एंजाइटी रहने की संभावनाएं तो रहेंगी लेकिन इसी रेखा के साथ साथ आपको एक अच्छा मनी ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती हुई बेशक मर्करी लाइन हल्की सी वीक है लेकिन यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनना और एक लंबी माइंड लाइन का होना व्यक्ति को धन भी देता है और ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है वो भी काफी शार्प रहता है मेमोरी काफी अच्छी रहती है थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रह सकती है इस रेखा के नीचे की तरफ झुका हुआ होने की वजह से चलिए आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को अब देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है यहां से लेकर लगभग इस एरिया तक बिल्कुल नीचे तक इनकी लाइफ लाइन पहुंचती हुई नजर आ रही है लाइफ लाइन का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफी लंबी रहती है ऐसे व्यक्ति लगभग 80 के आसपास की एज तक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इनकी लाइफ लाइन की जो फॉर्मेशन है हल्का सा बाहर की तरफ लाइफ लाइन निकलती हुई यह जो ब्रांच है कुछ इस तरह से जब भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकलती है और यहाँ पर एक फिश जैसी हल्की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी बेशक यह आकृति पूरी तरह से कंप्लीटेड नजर नहीं आ रही लेकिन इस एरिया पर फिश का सिंबल बनना और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और ऐसे नेटिव कई बार अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर पर्मानेंटली सेटल भी हो जाते हैं लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रेवल्स के साथ साथ पर्मानेंट सेटलमेंट की संभावनाएं बढ़ती हैं और इस तरह का चिन्ह इस एरिया पर बनने से नेटिव को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स भी होते हैं अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं और इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हो जाती हैं बात करते हैं इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की अब देखेंगे यह एरिया इनकी हथेली में काफी उभरा हुआ है जब यह माउंट काफी उभरा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं लग्जरीज के साथ साथ अगर यह माउंट प्रोमिनेंट हो पिंकिश हो तो परिवार का सुख भी रहता है लेकिन कुछ हल्की बारीक रेखाएं भी आपको यहां पर नजर आ रही होंगी इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की यह एरिया आप देखेंगे काफी उभरा हुआ है इस एरिया के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएंगी इस माउंट के ऊपर ज्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंगजाइटी की दिक्कत हो सकती है तो दोस्तों ये कुछ अनालसिसिस इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद